कविता जाधव जी लिखती हैं, गुरु जी जब मेरे राम और हनुमान जी मैं बोलती हूं तो मुझे रोना आता है और आपका भजन सुनने के लिए इंतजार करती रहती हूं। कविता जाधव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको सीताराम, अगर आप हनुमान जी राम जी बोलते हैं और आपको रोना आता है, कविता जी ये सब भक्ति का प्रभाव है, आप भक्ति के निकट जा रही हैं और जल्दी ही आपको अपने प्रभु की प्राप्ति होगी। आपकी भक्ति आप पर अनुकंपा भगवान जी की इसी प्रकार बनी रहे, आप भजन का इंतजार करती हैं। कविता जी शाम को 9:15 पे मैं कथा लेकर आपके लिए लाइव आ जाता हूं। अगर किसी तरह आप दिन में भी सुनना चाहती हैं तो सारे भजन कीर्तन पाठ YouTube पर उपलब्ध हैं, अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप सुन लिया करें। सीताराम, विष्णु सोनी जी लिखते हैं YouTube पर कि आनंद हो रहा है राम की कृपा से, जय हनुमान जी महाराज, कथा सुनकर आत्मा प्रसन्न हो जाती है, जीवन का आनंद प्राप्त होता है, आपकी आवाज में साक्षात सरस्वती माता विराजती है, इसी प्रकार कृपा बनाए रखें, रामचरितमानस ही प्रसाद स्वरूप भिजवानी कृपा कर, जय गुरु जी, जय राम जी। सीताराम जी, विष्णु सोनी जी, बहुत बहुत खुश रहिए, आप इसी प्रकार आनंदित रहें, आप पर श्री राम जी की अनुकंपा होती रहे। श्री रामचरितमानस हम लोग 21 तारीख को किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे जिसका हमें लगेगा कि जिसने अधिक एक्टिविटी करी है, जिसका शेयरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, हम उस किसी व्यक्ति को, उनमें से किसी एक व्यक्ति को रामचरितमानस 21 तारीख को भेजेंगे। अगर आप बहुत शेयरिंग करते हैं, अगर हमें लगा कि आप बहुत शेयरिंग करते हैं, प्रचार करते हैं राम कथा का, तो हो सकता है आपको भी रामचरितमानस कथा का ग्रंथ भेज दें। चंद्रकीर जी हैं, इनका नाम है रामचंद्र कीर, लिखते हैं, मेरा नाम रामचंद्र कीर, ग्राम पंचायत बिच्छापुर तहसील टिमरनी जिला हरदा, अभी इंदौर में रहता हूं। गुरुजी सीताराम, सीताराम रामचंद्र जी, आपका तो नाम ही इतना सुंदर है कि आपका नाम पुकारने में मेरे राघव जी मुझे याद आ जाते हैं। राजेंद्र सिंह जी लिखते हैं, सीताराम सीताराम, गुरु जी प्रणाम, राम कथा सुनकर जीवन धन्य हो गया है, इस कलयुग में धर्म की पताका लहराता है, भगवान की कथा सुनकर पशु पक्षी भी नजदीक आ रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में आ पहुंच गए हैं। गुरुजी मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून से हूं, मैं भगवान की कथा हमेशा सुनता हूं। बहुत बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप कथा सुनते हैं और कथा सुन के आप इस प्रकार के दिव्य अनुभव कर रहे हैं कि आप त्रेता युग की अनुभूति कर रहे हैं, पशु पक्षी आपके नज़दीक आ जाते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। पता है ये क्यों होता है, जब राम कथा सुनते हैं ना तो हमारा मन निर्मल होने लग जाता है, और जब मन में निर्मलता होती है तो मन से हिंसा भय जैसे विचार खत्म हो जाते हैं, जब मन से आपके हिंसा भय बेचैनी खत्म होते हैं तो पशु पक्षी भी आपसे डरते नहीं हैं और आप में मित्र स्वरूप पाकर वो आपके पास आने लग जाते हैं। सीताराम, देहरादून में मेरी बहन, दो बहनें रहती हैं और मैं अक्सर आता हूँ, बहुत अच्छी जगह से हैं देहरादून से, मैं कई बार वहाँ पर आया हूँ और बड़ा आनंद आता है देहरादून के अंदर, वाकई में आप देवभूमि से हैं। सीताराम, आयु वायु, अच्छा इनका आईडी है आयु वायु, नाम इनका नाम है दुर्गा गुप्ता, लिखती हैं, गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा गुप्ता है, मेरे पति का नाम संदीप कुमार गुप्ता है, गुरुजी मेरे एक बेटा अंश और एक बेटी वाणी नाम है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी बहुत बहुत आशीर्वाद है दुर्गा जी आपको, आपके बच्चों को, आप पर श्री राम जी की अनुकंपा बनी रहे, मेरे हनुमान जी आपके बच्चों की रक्षा करें, आपके बच्चे भक्ति मार्ग पर उन्नत हों, ऐसी मेरी कामना है, आपके घर में राम भक्ति का माहौल वातावरण बना रहे। अच्छा दुर्गा जी आगे लिखती हैं कि गुरुजी मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िएगा, मैं और मेरी 1 साल की बेटी रोज सुनती हूँ, मेरी बेटी आपका कीर्तन सुन के ताली बजाती है और खुश हो जाती है,
गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा नाम दुर्गा गुप्ता है। दुर्गा गुप्ता जी बहुत बहुत खुश रहिए, आपकी बेटी को भी आशीर्वाद है और आपको भी आशीर्वाद है। भगवान हनुमान से कामना करता हूँ, अपने परम गुरु हनुमान से कामना करता हूँ कि आपकी और आपके बच्चों की रक्षा करे, खुश रहिए। विनोद कुमारी लिखती हैं कि जय श्री राम, राम कथा सुनकर बहुत ही आत्मा तृप्त होती है। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपकी या किसी की राम कथा सुनकर आत्मा तृप्त नहीं होती है तो मान लीजिए आप असुर हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं। कि अगर आप वाकई में मनुष्य हैं और भक्ति में आपकी आसक्ति है, श्री राम के मन से आपको शांति मिलती है, राम कथा से आपको तृप्ति मिलती है, तो आप समझिए आपका मनुष्य होना सफल है। नरेंद्र सिंह नेगी जी लिखते हैं, जय श्री राम गुरु जी, आपका रामचरितमानस सुनने में बहुत ही आनंद आता है। जी हाँ, मुझे कहने में आनंद आता है और आपको सुनने में आनंद आता है। यही तो भक्ति का असली आनंद है कि आपका मेरा संबंध किस प्रकार का बनता है और कितना प्रगाढ़ है। कि हम आप मिले नहीं हैं, फ़ोन के माध्यम से मैं कथा कहता हूँ, आप सुनते हैं और कितना आनंद हम लोग आपस में बांट लेते हैं। यह राम नाम की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है। मनोज गुप्ता जी लिखते हैं, जय जय श्री राम जी की गुरु जी, हरिओम गुरु जी, जय जय माता जी गुरु जी, राधे राधे जी गुरु जी, हर हर महादेव गुरु जी। गुरु जी मुझे मत भूलना कमेंट में, गुरु जी राधे राधे सीताराम जी गुरु जी। लीजिए मनोज जी, मैं आपको भूला नहीं, मैंने आपको याद रखा है अपने कमेंट में, खुश रहिए। आइए फेसबुक का कमेंट है, पढ़ते हैं। रूप राम लिखते हैं, सीताराम गुरु जी, हम आपके कथा उत्तर प्रदेश जिला बलरामपुर से देख रहे हैं। सीताराम रूप राम गुरु जी, हम धन हनुमान जी का सपना देखते हैं, उसका मार्गदर्शन कीजिए। आप सपने में हनुमान जी को देखते हैं, यानी कि आप पर भक्ति का प्रभाव हो रहा है, खुश रहिए। भैया आप पर बहुत प्रभाव हो रहा है भक्ति का, खुश रहिए। सुभाष रजक जी लिखते हैं, गुरु जी सीताराम, जब मैं राम कथा सुनता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू बहते हैं और सोते समय आँख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो आँखों से आंसू निकलते हैं। बंद आँखों से कृपया मार्गदर्शन करें। अरे आपको तो वियोग हो रहा है। जिस मनुष्य के भगवान को याद करके आंसू बहने लगे सुभाष जी, यानी वो कितना भाग्यशाली है। राजा दशरथ जी राम के वियोग में स्वर्ग को चले गए, वो बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं, उनका जीवन सफल माना जाता है। अगर आपको प्रभु के वियोग में राम कथा सुनकर आंसू आते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आपका मन निर्मल हो रहा है, आप भक्ति के समीप जा रहे हैं। सुभाष जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कथा पर आपका कथा का प्रभाव आप पर चढ़कर बोल रहा है। मोहित राजपूत लिखते हैं कि कथा को सुनने के बाद मन को शांति और सुख का अनुभव होता है। ये तो कथा का प्रताप है मोहित जी, राम कथा का प्रताप है। इस कथा को जितना सुनेंगे उतना आपके मन को आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और सुख का अनुभव होगा। सीताराम। इंदु ओझा लिखती हैं कि बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन करते हैं आप गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, ये सुनने वालों की कृपा है कि आपको भजन कीर्तन पसंद आता है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंग बली, हमें आपकी कथा सुनने में बहुत ही आनंद आता है। सुरेंद्र मेहता जी ये बात लिखते हैं, बहुत ही धन्यवाद। आनंद तो लेने और देने की वस्तु है, मुझे राम कथा कहने में आनंद आता है और आपको सुनने में आनंद आता है। आगे पंकज सैनी लिखते हैं, जय श्री राम जी, अपने रामायण पाठ गुणगान कितना सहज असरल और माधुरी मनमोहक बनाया हुआ है। आपके कंठ पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। आपके घर में संकट मोचन महाबली हनुमान जी के जो चरण चिन्ह हैं उनका दर्शन करना चाहते हैं। मेरे प्रभु राम की सदा ही जय हो। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाकई में राम कथा को सहज बनाकर चलना चाहता हूँ कि जिस अवस्था में हैं आप, किए नहीं कि बहुत आप परिधान पहनकर बैठ रहे हैं राम कथा कहने के लिए,
जो मेरे पास होता है मैं वो पहनकर बैठ जाता हूँ राम कथा कहने के लिए। मुझे दो जो धुन सहज लगती है मैं उस धुन में आपको राम कथा सुनाता हूँ। जो शब्द मुझे मुश्किल लगते हैं उन शब्दों को मैं अर्थात अर्थ बदल कर आपको समझा देता हूँ। मेरा मतलब क्या है कि कथा मैं आपके लिए सहज कर दूँ, कथा मुश्किल ना लगे। कथा जितनी सहज होती चली जाएगी उतने सब लोगों को पसंद आएगी, सब लोगों को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि समझना जरूरी है। घर में जो संकट मोचन महाबली हनुमान जी के चरण चिन्ह हैं, मैंने उसका वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर तीनों जगह शॉर्ट्स में और रील्स में अपलोड करा हुआ है, देख लीजिए। और कभी मौका लगा तो दोबारा वीडियो बना के मैं आपको संकट मोचन हनुमान जी का चरण चिन्ह का वीडियो बना के डाल दूंगा। सीताराम पवन गौरा हैं, कहते हैं जय श्री राम प्रभु जी, हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, बच्चा हुआ है और वह बहुत बीमार रहता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए वह ठीक हो जाए। राम राम। अपने बच्चे के कान में हनुमान चालीसा सुनाया करें और प्रत्येक मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करा करें और बच्चे के आसपास सीताराम का मौखिक जाप करा करें, लाभ होगा। मैं आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा, हे हनुमान जी महाराज, पवन गौरा जी के घर में जो बच्चा हुआ है उस बच्चे का स्वास्थ्य आप सही करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है पवन गौरा जी के बच्चे के लिए। सीताराम। गायत्री सेन लिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, पाठ बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी मेरा एक कीमती चीज खो गई है, श्री राम जी से एक बार अरदास कीजिए कि मेरी चीज मिल जाए। गायत्री जी, एक बड़ी अच्छी चौपाई है, अगर कोई खोई हुई वस्तु हो आपकी और ना मिल रही हो तो उस वस्तु को पाने के लिए चौपाई का जाप करिए, आपकी खोई हुई वस्तु मिल जाएगी। चौपाई इस प्रकार है, बालकांड की यह चौपाई है। गई बहुर गरीब ने वाजू, सरल सबिल साहिब रघुराजू की। गई बहुर गरीब ने वाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। मैं फिर कह देता हूं, गई बहुर गरीब ने वाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इस चौपाई का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बालकांड की यह चौपाई है, आपकी खोई हुई वस्तु आपको बिल्कुल मिल जाएगी। कहिए सीताराम। राजीव कट्टल हिंदू जी कहते हैं, गुरु जी हम हर मंगलवार को 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मेरा मन शांत नहीं होता है। राजीव जी, सभी लोग कह रहे हैं कि उनका कथा सुनने से मन शांत होना शुरू हो गया है। राजीव जी एक काम करिए, कहीं ना कहीं आप कथा नहीं सुन रहे हैं मन लगा के। आप कथा को मन लगाकर कहना सुनना शुरू कर दीजिए। राजीव जी, प्रतिदिन आप कथा को मन लगाकर सुनना शुरू कर दीजिए, लाइव कथा सुनिए, उसके अलावा YouTube पर जो रिकॉर्डेड वर्जन पड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हैं, उनको सुनिए, आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मानसिक जाप करा करें, सीताराम का आपको लाभ होगा। सीताराम। कांता दलाल जी कहती हैं, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मेरे बेटे के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा, मेरे घर वाले को भी माइंड सेट नहीं किया, क्या करें गुरु जी? बड़ा सरल सा उपाय है, अपने घर में उनको, बेटे को और पति को, दोनों को राम कथा, यह रामचरित मानस पाठ सुनाया करें। 9:15 पर मैं लाइव आ जाता हूँ तब सुनाया करें, उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको सुनाया करें। घर में सब लोग बैठकर पाठ को सुने, आप देखिए कि आपके बेटे के मन से नेगेटिव थॉट्स निकलना शुरू हो गए हैं और आपके पति के दिमाग में भी स्थिरता आ जाएगी। सीताराम। राम अवतार जी कहते हैं, गुरु जी प्रणाम, मेरी तरफ से आपके चरणों में अयोध्या से मेरा कर्जा खत्म नहीं हो रहा, गुरुजी उपाय बताएं। जय जय हो हनुमान जी। अयोध्या से हैं आप, कितनी बढ़िया बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है कि मुझे अयोध्या के लोग संदेश भेज रहे हैं, आपके लिए खास भाव हैं।
देखिए दरिद्रता मिटाने के लिए मैं आपको चौपाई बताता हूँ, जब दरिद्रता मिटेगी तो कर्जा भी खत्म हो जाएगा। तो चौपाई बालकांड से है, 31वें दोहे की चौपाई है ये। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के, कि अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के, इस चौपाई का जाप शुरू करिए राम अवतार जी, आपकी दरिद्री खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जब दरिद्री खत्म होगी तो कर्जा भी खत्म हो जाएगा। कहिए सीताराम। राम राज पप्पू जी के भी यही समाज यही सवाल है कि गुरुजी कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, तो यही चौपाई का आपको पाठ करना है, कर्जा खत्म हो जाएगा। मगन उपाध्याय जी लिखते हैं, गुरुदेव सीताराम आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद है मगन जी उपाध्याय जी, आपके घर में भगवान राम की अनुकंपा रहे। मेरे हनुमान जी आपके घर में सब कष्टों को हरते रहें, खुश रहिए। अर्जुन कश्यप लिखते हैं, सीताराम गुरुजी हमारे बहुत काम रुके हुए हैं, हनुमान जी हमारे रुके हुए काम पूर्ण करें, ऐसी कृपा करें। अर्जुन कश्यप जी, मैं आपकी अर्जी हनुमान जी को लगा देता हूँ कि आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएं। साथ ही आपको एक चौपाई बताता हूँ मैं, इस चौपाई का प्रतिदिन 108 बार माला जाप करा करें। माला जाप करने से पहले हनुमान जी के सामने धूप और दीप जलाइए, नैवेद्य कुछ मीठा अर्पित करिए और 108 बार इस चौपाई का जाप करिए। चौपाई इस प्रकार है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो अर्जुन जी इस चौपाई का जाप शुरू कर दीजिए, आपके सारे काम जो रुके हुए हैं बनने शुरू हो जाएंगे। सीताराम। केशव कुमार जी कहते हैं, कहाँ से हैं आप, यह परिचय तो आज तक दिया नहीं आपने कभी। लीजिए, आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि मैं वैशाली गाजियाबाद में निवास करता हूँ, यहीं से आपको बैठकर अपने घर से यह पाठ सुनाता हूँ। दिल्ली मधुविहार में मेरा कार्यालय है, मोक्ष म्यूजिक भक्ति के नाम से हमारी म्यूजिक कंपनी है, हम लोग भजन रिकॉर्ड करते हैं और भजन रिलीज करते हैं। हमारे चैनल को जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे भजनों को सुनिए। नए नए सिंगरों को गायकों को हम लोग बिना पैसा लिए गाने का मौका देते हैं, उनके भजन निकालते हैं। राजेंद्र शर्मा जी हैं, कहते हैं, गुरु जी जय श्री राम, आपकी आवाज़ और साउंड बहुत ही पॉजिटिव है। राजेंद्र शर्मा जी, राम कथा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हैं, ये संगीत पॉजिटिव है, ये कथा भी पॉजिटिव है, उसी का असर मुझ पे है कि मैं भी पॉजिटिव हो जाता हूँ। इसी प्रकार ये पॉजिटिविटी फैलती रहे, इस कथा को आप शेयर करें, आपके आसपास और पॉजिटिविटी भर जाएगी, फैल जाएगी। सीताराम। प्रताप बेहरा जी लिखते हैं कि ये पाठ सुन के शरीर के अंदर शांति और आनंद भर जाता है। जी हाँ प्रताप बहरा जी, यही तो इस राम कथा का प्रताप है, चमत्कार है, जो सब लोग जानते हैं और मानते हैं कि शरीर के अंदर शांति और आनंद भर जाता है। यह कथा शांति सुख आनंद का समुद्र है, जो जिसमें इतना जितना डूबेगा वो उतना ही डूबता चला जाएगा। लता अग्रवाल जी, विकास जिंदल जी, जॉइंट आईडी है, लिखते हैं, गुरुजी आज हमने पहली बार आपका रामचरितमानस का 190 पाठ सुना है, हमारा मन खुश हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा है सुनने में, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। सीताराम, बहुत बहुत कृपा हो आप पर, आपने पहली बार पाठ सुना, आपका स्वागत है, आप प्रतिदिन आया करें, मैं 9:15 पर लाइव आता हूँ, कथा सुनाता हूँ, पुराने पाठ सारे यूट्यूब पर पड़े हुए मिल जाएंगे, उनको भी सुना करें, आनंद ही आनंद है, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम। गजेंद्र सिंह जी कहते हैं, राम राम गुरुजी, मेरा मकान बनाने का काम है, मुझे हमेशा नुकसान हो जाता है,
मैं कर्ज से छुटकारा चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ उपाय बताएं जिससे मेरा काम ठीक से चलने लगे और प्रॉफिट हो, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। सियाराम जय राम, जय 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 राम। गजेंद्र सिंह जी, बड़ी अच्छी चौपाई है आपके लिए, जो आप ही के लिए है, कि जिन किसी का काम नहीं चलता हो, नौकरी नहीं लग रही हो, प्रमोशन ना हो रहा हो, इस चौपाई का जाप करा करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का 108 बार माला जाप करा करें, राम दरबार के सामने धूप दीप जलाकर नैवेद्य अर्पित करके पूजा अर्चना करके, इस भावना के साथ में कि मेरा काम चला दीजिए, इस चौपाई का पाठ करिए, 108 माला जाप करना है, धीरे 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 आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। कहिए सीताराम। मणि ठाकुर जी लिखते हैं कि मैं उड़ीसा से हूँ महाराज, और मैं आपके राम जी के कथा सुनती हूँ, मुझे शांति मिलती है। जी हाँ, यही तो कथा का प्रताप है कि सुख और शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है इस कथा से। जिस किसी को नींद ना आती हो, नींद आनी शुरू हो जाती है। कोई नशे की लत हो तो नशे की लत छूट जाती है, डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है, इस कथा का यह प्रताप है। तो अधिक से अधिक मात्रा में इस कथा को सुना करें, और अधिक से अधिक कथा को शेयर करके इस कथा को आप अन्य लोगों को सुनवाएं, ताकि धर्म का लाभ आपको मिले। जितना धर्म का लाभ आप कमाएंगे, उतना पुण्य आपको मिलेगा, जितना पुण्य आपको मिलेगा उतने आपके संकट जीवन में खत्म हो जाएंगे। ललिता कुमारी लिखती हैं, बहुत ही सुकून मिलता है, जय श्री राम सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम, बहुत ही सुकून मिलता है। मुझे भी बहुत बहुत सुकून मिलता है आपको कथा सुनाने में। ब्रजेश राघव जी कहते हैं, जय सीताराम गुरुजी। गुरुजी, हमारा नाम ब्रजेश राघव, अलीगढ़ से। गुरुजी, हम यह कह रहे हैं कि गुरुजी रात में सोने के बाद स्वप्न में चिता दिखाई देती है, गुरुजी बहुत डर लगता है, गुरुजी इसका मार्गदर्शन करिए। ब्रजेश राघव जी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिता देखना मतलब आपके जीवन में चिंताएं खत्म होने वाली हैं, आपको सुख समृद्धि आने वाली है, चिता देखना शुभ माना जाता है। तो यह मानिए कि आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं, आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं होने वाली हैं, शुभ मंगल होने वाले हैं। उसके अलावा एक काम करा करें, आप सोने से पहले कुल्ला करा करें, मुंह धोया करें, अपने पांवों को धोया करें, और फिर सोया करें, अपने तकिए के नीचे चाकू रखकर सोया करें, आपको डर लगना खत्म हो जाएगा। सीताराम, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करा करें, सीताराम। रामपाल प्रजापति, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रामपाल जी खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए, भगवान राम की अनुकंपा आप पर बनी रहे, हनुमान जी आपके कष्ट हरते रहें। कमलेश यादव जी लिखते हैं, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम कमलेश यादव है, मेरे नाम का मतलब क्या है गुरुजी, कृपा करके बताइए गुरुजी, राधे राधे। कमलेश यादव जी, पहले तो आप यादव हैं, यानी कि यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं आप लोग, और कमलेश को अर्थ को समझने के लिए आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं। कमलेश यानी कमल के ईश, कमलों के भगवान को कहते हैं कमलेश, और कमल के भगवान कौन हैं, भगवान विष्णु, नारायण भगवान हैं, कमलों के राजा, कमलों के ईश्वर, कमल के ईश्वर राजा कौन है, भगवान विष्णु नारायण भगवान। तो आपके कमलेश नाम का अर्थ है भगवान विष्णु, बड़ा अच्छा नाम है आपको, आपके नाम को नमन है, आपके नाम में सुमे, आपके नाम में छुपे हुए भगवान को नमन है। संतोष कुमार गुप्ता जी लिखते हैं, गुरुजी सीताराम,
मैं हरियाणा करनाल में रहता हूँ, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला में करनाल में जॉब करता हूँ, मगर मेरे माँ बाप की बहुत याद आती है। हमेशा मेरे माँ बाप गांव छोड़कर हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा मेरे पास, इसका कोई उपाय बताइए। जय बजरंग बली। देखिए संतोष जी, ये हमारे कर्म फल होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्मों के कारण हमको मिले होते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है, या तो आपके माँ बाप के कर्म फल या आपके कर्म फल जो आप आज महसूस करते हैं कि माँ बाप की कमी है, माँ बाप तो गांव में है और मैं यहां पर हूं। तो माँ बाप की छुट्टी लेके जाया करें, सेवा करके आया करें। और क्या कर सकते हैं, आप करनाल में रहते हैं, करनाल में अन्य वृद्ध लोगों की माता पिताओं की सेवा करा करिए। यह मानिए कि जो सेवा किसी के माता पिता की वृद्धों की आप करेंगे करनाल में, वो सेवा आपके माँ बाप को उधर देवरिया में लगेगी। जो सेवा आप वृद्ध माता पिता की करनाल में करेंगे, वो सेवा कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपके माँ बाप की करेगा। इस प्रकार जो शुभ कर्म आप करेंगे, वो शुभ कर्म का फल आपके माँ बाप को मिल जाएगा। इस प्रकार आपका औचित्य भी सही हो जाएगा। सत्यवीर कुशवाहा कहते हैं, सीताराम गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मेरे से इतनी बड़ी क्या गलती हुई है कि मैं हनुमान जी के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, खाटू श्याम बाबा के लिए मन बना लेता हूँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। क्या प्रभु मेरे को दर्शन के लिए नहीं बुलाना चाह रहे हैं? जब भी मैं राम कथा सुनता हूँ मन को बड़ी सुख और शांति मिलती है। गुरु जी दो दिन से मैं आपकी लाइव नहीं देख पाया, बाद में मैंने सुनी तो मन को बड़ा सुख और शांति मिली। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप कथा को सुनते हैं और कथा को सुनने से आपको शांति मिलती है। अब बात आती है कि आप कहते हैं कि आपका मन है खाटू जी जाने का और बालाजी जाने का, लेकिन भगवान जी आपको बुलाते नहीं हैं। अरे जब आपका प्रेम पक्का है तो जाने की क्या आवश्यकता है? मन मंदिर में अपने प्रभु को याद करिए और अपने मन में बालाजी को और खाटू श्याम जी को पा लीजिए। ये तो प्रेम है, प्रेम में दूरी कैसी? नहीं जा पा रहे हैं तो मन बंद करिए और जिद करके बालाजी से खाटू श्याम जी से बोलिए कि अगर मुझसे प्रेम है मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूं, और मुझसे प्रेम है क्या प्रेम करना मेरा ही काम है? तुझे मुझसे कोई प्रेम नहीं है। अगर तुझे मुझसे प्रेम है तो मुझे बुला, नहीं तो मेरे मन मंदिर में आके मुझे दर्शन दे। अरे प्रेम में तो बड़ी शक्ति है, तो प्रेम से अपने प्रभु से बात करिए, बातचीत करिए, प्रभु आपके मन मंदिर में आके आपको दर्शन देंगे। सीताराम